नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज हम बात करेंगे एक खास विद्या की। कौन सी विद्या है? वो रमल विद्या। मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूं, लेकिन थोड़ा सा हिंट देती हूं आपको। हिंट ये है कि आपने देखा होगा महाभारत में शकुनी को पासा फेंकते हुए। ऐसे ही पासा के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, बस बहुत अच्छे से आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। लेकिन असल में ये विद्या क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है और उससे आप क्या कुछ जान सकते हैं, इसको पूरे डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो रमल विद्या क्या है और इसी को हम बहुत डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत नया है और शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे, उसको पूरा समझते हैं और चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आचार्य जी बताइए कि क्या है ये आखिरकार रमल विद्या, क्योंकि अब मुझे बहुत अलग नाम लग रहा है और शायद मेरे तरह कई लोग होंगे जो उसको जानते भी नहीं होंगे। मे भी किसी ने नाम सुना होगा, लेकिन इसको डिटेल में क्या है, इसका काम और कैसे हम इसे आगे अपने भविष्य में इसका क्या यूज कर सकते हैं, ये आप बताइए। आज मैं अंदर से बहुत प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आज रमल की बात हुई है। ज्योतिष और लोग अपने भविष्य के बारे में हमेशा से जानने के लिए इच्छुक रहे हैं। बिल्कुल। वो चाहते हैं हमारा आगे टाइम कैसे आने वाला है, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका उपाय कर दें। आपको बताते हैं, रमल विद्या सबसे प्राचीन विद्या है ज्योतिष की गणनाओं को करने के लिए, और शिव पुराण में भी इसका जिक्र आता है। ये कहां से प्रारंभ हुई और इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं आने वाली घटनाओं को जानने के लिए, जी। आपको इसके बारे में बताते हैं। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों खेल रहे होते हैं, क्योंकि इसका विद्या का नाम अभी दीपाली जी ने बताया रमल, तो रमल का मतलब होता है कि क्रीड़ा करना, खेलना। रमण के नाम से इस पे लिया गया है कि क्रीड़ा करना, खेलना, आप कोई गेम खेल रहे हो। तो शंकर पार्वती जी के बहुत किस्से आपको पता है, हमारी मैथोलॉजी स्टोरीज में है कि वो खेला करते थे। तो वो आपस में खेल रहे हैं, छुपन छुपाई वाला खेल आपने देखा होगा, एक बंदा छुप जाता था, दूसरा उसको ढूंढता था। तो पार्वती जी काफी टाइम के लिए छुप गई और शंकर जी को कहती है मुझे ढूंढो जी, और उन्हें नहीं मिल रही। शंकर जी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं काफी साल लग जाते हैं उनको ढूंढने में, तो वो नहीं मिलती है। तो उसके बाद उनकी व्यथा को देखकर, उनकी परेशानी को देखकर काल भैरव जी जो उनके मनस पुत्र हैं वो प्रकट होते हैं, और वो जमीन पे रेत होती है, रेत के ऊपर चार बिंदु अंकित कर देते हैं, यानी कि चार डॉट लगा देते हैं, ऐसे चार फिंगर लेके चार डॉट लगा दिए और फिर साथ में दोबारा चार डॉट और लगा दिए और कहते हैं अच्छा है तो सभी ईश्वर की लीला। तो कहते हैं अब प्रभु इस पे ढूंढिए। तो वो इस पे गहन करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, खोजते हैं। तो पार्वती तारा सुंदरी के रूप में उनको दिखाई देती है कि एक अलग जन्म में उन्होंने जन्म लिया होता है। तो वहां से रमल विद्या का प्रचलन होता है, यानी कि भविष्य की चीजों को देखने के लिए जैसे ज्योतिष शास्त्र है, ऐसे ही रमल सबसे पुराना शास्त्र माना जाता है। अब शंकर और पार्वती जी फिर खेल रहे हैं, उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो पार्वती जी शंकर भगवान को कहती हैं कि आप कई कई साल तक तपस्या करने चले जाते हैं और मैं पीछे से बोर हो जाती हूँ, तो मुझे भी कुछ ऐसी विद्या दे दो जिससे मेरा मन लगा रहे और मैं भी कुछ लोगों को देखा करूं। तो कहते हैं साक्षात भोलेनाथ जी ने ये सारी विद्या माँ पार्वती को दी जी। और फिर किसी एक ब्राह्मण ने तपस्या करके अपना जीवन चलाने के लिए माँ पार्वती से वरदान रूप में ये विद्या ली और आज हमारे बीच में प्रचलित है। मैं ज्योतिष की बहुत सारी विद्याओं को जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स देश विदेश में हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन आपको सच बताऊँ रमल विद्या को मैं सबसे सर्वोपरि मानता हूँ जी। जब हमारे सारी चीजें फेल हो जाती हैं, कोई कैलकुलेशन काम नहीं करता, तब हम रमल के पासों को यूज करके हम जजमेंट करते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि रमल के टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और रमल के टॉपिक पर हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भी इस विद्या को सीखने के लिए, इसको क्या आप इसको करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सीधे संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर। लोकेश धमीजा जी के वेबसाइट में आप संपर्क करिए और उसकी डिटेल और जो है वो जान सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और इसके लिए भी अगर आप
अपना प्रोफेशनल तौर पर इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। खैर, हम रमल विद्या की बात कर रहे थे लोकेश जी, रमल विद्या है क्या, मतलब कैसे ये काम करती है तो, और क्या हम इसे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी देखने में ही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा क्या है, ऐसा कैसे हम समझ सकते हैं, कितना फैसिनेटिंग है ये, तो आप बताइए कि काम कैसे करती हैं। आज आप देखिए टीवी देख रहे हैं तो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, आप मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कुछ फ़ोटो भेज देते हैं, आप गूगल करते हैं, कैमरे से कुछ आप फ़ोटो खींच लेते हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपको विजुअल फॉर्मेट में मिल रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे आईटी के प्रोफेशनल ने प्रोग्रामिंग करी है, और उसको बाइनरी कोड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। ओके। जो यानी कि आपका एक तरीके से डॉट और लाइन के ऊपर चलता है। तो ज्योतिष में बहुत सारी विद्याएं जो बहुत सारे फॉर्मूले पे और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में चलती है, रमल एक ऐसी विद्या है जो बिल्कुल डॉट और लाइन पे चलती है। डॉट और लाइन पे यानी कि ये संकेत देती है आपको। अच्छा। आपको डॉट और लाइन से बना बना के आपको कुछ कुंडली बनानी पड़ती है, और उसके बाद आपको इसके आंसर्स मिलते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, या जो भी घटना आपके साथ घटनी है, या जो भी प्रश्न आपके मन में आप पूछ सकते हैं। तो रमल क्या है, अगर आप देखो तो साइंस से भी कनेक्टेड है, क्योंकि अगर बाइनरी कोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए एक बाइनरी सिस्टम ही है। तो जब मैं अभी आपको इसके किट के बारे में, जैसा दीपाली ने बताया, बहुत ही सुंदर किट है, तो आपको बताएंगे, तो जब पासों को दिखाएंगे तो उसमें डॉट और लाइन का जिक्र आता है, और ये डॉट और लाइन जो है पूरा का पूरा संकेत देती है, यानी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग कराती है और भविष्य की घटनाओं के बारे में बताती है। मेरे अंदर एक सवाल आ रहा है कि आपको कैसे इसके बारे में लगा कि मुझे इसे भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे हिंदू परंपरा में रहा है, जैसा कि आपने बताया शिव पुराण में इसका जिक्र है, तो आपके दिमाग में कैसे ये ख्याल आया कि इसे हमें, तो आपने बोला डिकोड किया काफ़ी, लोगों तक इसकी जानकारी भी पहुंचानी चाहिए, ये आपने कैसे सोचा? हाँ, सबसे पहले तो आया कैसे, मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, और कई साल मैंने सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी काम किया। जब मैं ज्योतिष की फील्ड में आया तो मैंने देखा, आपने शकुनी को देखा, शकुनी पासे चलता था, और पूरी महाभारत शकुनी के पासों पे ही है सारा का सारा। अगर वो दूध कीड़ा नहीं होता तो वो प्रॉब्लम नहीं आती और दिक्कत नहीं आती। इसी तरीके से आपने अकबर के दरबार में कई सारी स्टोरीज देखी होंगी, सुनी होंगी, तो वहां बीरबल भी पासों को चल के अकबर को आगाह किया करते थे, ये समस्या आ सकती है या ये प्रॉब्लम है, तो इसको इस तरीके से निदान कर सकते हैं। और एक बहुत प्यारा सीरियल पहले जमाने में दूरदर्शन में सबने देखा होगा, चंद्रकांता नाम का आया करता था, वो एक उपन्यास पे आधारित था। वहां पंडित जगन्नाथ जी थे जो हमेशा अपने पास पासे रखते थे, और राजा के कुछ क्वेश्चन बोलने के ऊपर उनके प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। तो ये चीज बड़ी फैसिनेट करती थी कि क्या है ये, क्या जादू ही क्या है, क्या चीज है, पासे चलते हैं और प्रश्न ले लेते हैं, कुछ तो है, क्योंकि शकुनी का जो पासों का था पूरा महाभारत ग्रंथ उसी के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा। तो मैंने इसके बारे में कुछ बुक्स मंगाई जो अरबी में थी, कुछ उर्दू में थी, कुछ एक दो बुक्स हिंदी में भी मिली। फिर जितने भी लोग हमारे हिंदुस्तान में इसके ज्ञाता थे उन सबसे मैं पर्सनली मिला जाके, और उसके बाद थोड़ा सा अपना टेक्नोलॉजी यूज करके और अपना ज्योतिष की विद्याओं को भी इसके साथ जोड़ के हमने इस पूरी विद्या को बड़ा अच्छे तरीके से मोल्ड करके प्रेजेंट किया, ताकि जो ज्योतिष के फील्ड में रहना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, जो करियर बनाना चाहते हैं, उनको भी इस विद्या का लाभ मिल सके। बिल्कुल। और इसके लिए ई लर्निंग का कोर्स भी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास ऑनलाइन का कोर्स है, अगर आप जैसे बाहर हैं इंडिया से तो आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। अब तो खैर कोविड के बाद तो लाइव क्लासेस का प्रचलन ये चेंज हो गया पूरा। और जो टाइमिंग पे नहीं कर सकते तो हमारे पास ई लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है, gurukulastro.com पे जाकर आप रमल के कोर्स को एनरोल करके घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं। किट आपको कोरियर के जरिए हम लोग भेज देते हैं। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंच पाएगी, अगर आप चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट है आपको, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं ये भी जानना चाहूंगी साइंस और शास्त्रों के साथ आजकल के टाइम में इसका कैसे प्रचलन है? आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रश्न देखिए कैसे है, अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जन्म तिथि नहीं है, टाइम भी नहीं है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम है तो बहुत अच्छी कुंडली बनती है, कुंडली के थ्रू आप सब कुछ बता देते हैं। या कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि कुंडली बोल रही है कि ये काम नहीं करना, और आपको पता है कि ये काम तो हमें करना पड़ेगा, मजबूरी जरूरी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हम रमल की विद्या के ऊपर ही बिलीव करते हैं, और हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। उसके रीजन देखिए, एक तो मैंने आपको बताया साइंस से कनेक्टेड है, यानी कि जैसे वहां पर बाइनरी लैंग्वेज यूज होती है, यहां पर भी पूरी सांकेतिक डॉट और लाइन के अंदर चलता है।
दूसरा, हमारी नौ देवियों में जब नवरात्रे मनाते हैं तो चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का होता है। तो माँ कुष्मांडा और दस विद्याओं में नौवें नंबर पे माँ मातंगिनी आती हैं। माँ मातंगिनी और माँ कुष्मांडा का रमल विद्या पे पूरा आशीर्वाद है। अच्छा। हमारे पास कोई प्रश्न लेके आता है और हम नहीं बता सकते उसके बारे में, तो हम रमल के पासों को यूज करके उसको बताते हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके रिजल्ट इतने अमेजिंग हैं, बट कहते हैं ना ये ब्रह्मास्त्र है, एवरी टाइम यूज नहीं कर सकते। अच्छा। ये तब यूज करेंगे जब हमारे को इसकी जरूरत है। मैं एक जनरल क्वेश्चन इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये ऑनलाइन का जमाना है। अब चूंकि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी आई, हो सकता है अब कई लोगों को नहीं पता हो, अब क्योंकि लोग प्रोग्राम देखेंगे इसके बारे में समझेंगे तो कई चीज़ें हमें मिल जाती है गूगल में, तो आप उनको भी थोड़ा नसीहत दीजिए कि जो मतलब बिना, जैसे आपने बोला आपने माता का ध्यान लगाया उसके बाद आपको ये चीज़ आई, तो कोई ऐसे इसको मजाक ना समझे और इसको थोड़ा लोगों को समझाइए कि हम अगर किसी को इस, क्योंकि आपने बोला कि ये जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन होती है तभी ब्रह्मास्त्र है ये, तब इसका उपयोग किया जाए, तो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल हमारे कोर्स के पैटर्न के अंदर बहुत अच्छा दीपाली जी ने बोला, वाकई में एक पूरा पैटर्न है कि आपको पासे किस दिन सिद्ध करने होते हैं, किस मंत्र से सिद्ध करने होते हैं, इसका रख रखाव किस तरीके से करना होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। ऐसा नहीं कि बच्चे इसको यूज कर रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं। हाँ। तो वाकई में इस तरीके से अगर हम करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो अब दर्शकों को एक बार इसका किट दिखाते हैं किस तरीके से, किट दिखाते हैं फिर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा ये सकते भी। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक सोच रहे होंगे कि आखिर है क्या है ये, क्या इसके अंदर? तो इसको जरा आप बताइए और फिर इसका कैसे यूज है। ये कोर्स के अंदर हम किट देते हैं, हालांकि इस किट का मतलब सिर्फ यही है कि आप इसके जरिए पूरे के पूरे कुंडली और प्रश्न को बना सकते हैं। अच्छा। और ये स्टूडेंट्स को हम इसके साथ कोर्स मॉड्यूल के साथ ही देते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये आपने चॉपर टाइप देखा होगा, ये लेकिन पूरा कुंडली का एक चॉपर बना हुआ है जिसमें संकेत मिलते हैं और एक कुछ शक्लें बनती हैं कि कौन सी चीज किस समय घटित हो सकती है या इसका क्या प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ये चॉपर होता है, इसको पूरा स्टडी करते हैं। इसके बाद इनको हम लोग डाइस बोलते हैं, पासे, आपने शकुनी के पासे तो देखे ही होंगे। इसको भी हाथ में रखने का तरीका, चलने का तरीका और कैसे इस मंत्र को अभिमंत्रित करना उसका तरीका होता है। क्या उसके मैं बाद देख सकते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल अलग है, मतलब हमने देखा है पहले लेकिन इस तरह से जो है ये बिल्कुल नहीं देखा। और ये बता रहे हैं जिस तरीके से आचार्य जी कि इसको रखने का, इसको पकड़ने का, चलने का, चलने का प्रोसेस होता है। तो उस प्रोटोकॉल को ही जब हम ध्यान में रखेंगे और उसको समझेंगे तभी इसे हम कर सकते हैं। खैर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भी हैं और इसके अंदर इतनी बहुत एनर्जी होती है, तो आप इसमें देखेंगे तो आपको डॉट्स और लाइन के कॉम्बिनेशन नजर आते हैं इसके अंदर। तो ये पूरा डॉट और संकेत भाषा पे चलता है। फिर हम इसको पासे रख के जो भी प्रश्न होता है प्रश्न को लेके हम चॉपर के ऊपर चलते हैं और फिर इससे पूरा का पूरा एक कुंडली बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कितना वक्त लगता है? जैसे मतलब यही है कि ये जो डॉट्स इसमें बने, डॉट और लाइन की आप बात कर रहे थे। हाँ, इस डॉट और लाइन से पूरा का पूरा कुंडली ड्रॉ होगा। अच्छा। सारा का सारा। और बड़ा अमेजिंग है, मतलब आपको मन कर रहा होगा इसको सीखा जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि ये उत्तर आप समझिए माँ के आशीर्वाद से आपको मिलता है। तो प्रश्न शास्त्र जैसे होता है तो कह सकते हैं ये प्रश्न शास्त्र की एक विधि है। इसके बाद हमारे इसके अंदर कार्ड्स होते हैं। अच्छा। ये 16 कार्ड्स हैं, यानी कि आप कहीं पर अगर पासों को नहीं ले जा पा रहे हैं, डाइस को नहीं ले जा रहे हैं, तो आप कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये कार्ड का मतलब ये नहीं है कि जो आएगा वो आंसर हो गया, नहीं, इस कार्ड का मतलब है कि इनसे बनेगा आपका ज्योतिष वाला कुंडली ही पूरा का पूरा। अच्छा। वही ग्रह सिस्टम है, वही सारा कुछ है, बट उनका साइंस का बेस डिफरेंट है। अच्छा। इसके बाद ये 64 कार्ड्स होते हैं जिसको रमल प्रश्नावली मेथड के अंदर लिया गया है। ये कार्ड आपके मन की बात पकड़ लेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना माँ रूल कर रही हैं, तो जैसे बहुत सारी एग्जीबिशंस के बारे में मैंने बताया होती हैं, ऐसे ज्योतिष की भी एग्जीबिशन में हम लोगों का किट रखा हुआ था, कैनोपी बना हुआ था, तो काफी ज्योतिषी आए तो मुझे कहते हैं दमीजा जी आपका तो यार कैलकुलेशन का पार्ट है, आप तो आईटी वाले हो, ये क्या कार्ड वार्ड है, जैसे टैरो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, कैसे कार्ड कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो 4 बजे मेरा सेशन था, तकरीबन 300-350 लोग उस मंच मतलब सम्मेलन में थे और 4 बजे एक वर्कशॉप था। तो मैंने क्या किया, अपना प्रोग्राम चेंज करा, मैंने रमल का किट ऑर्गेनाइज कर दिया। मेरे पास 70-72 किट थी वहां पर एग्जीबिशन में। मैंने सबके हाथ में कार्ड दे दिए, मैंने कहा आप कार्ड रखिएगा, ये बृहस्पति की फिंगर होती है, इसको इस पर रखिएगा और खोलिएगा मत,
और जो भी आपके मन में प्रश्न है ना, या आपके मन में जो चीज चल रही है ना, उसको निकालेंगे और उनसे थोड़ा सा मैं डिस्कस करता रहा। और एक बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, तो उनको मैंने बोला कार्ड निकालिए, वो हैरान हो गए कार्ड निकालने के बाद। अच्छा। और कार्ड निकालने के बाद उन्होंने, अच्छा ये लाइव चल रहा था पूरा फेसबुक लाइव के ऊपर, उन्होंने अनाउंस किया, कहते हैं मैं हैरान हो गया हूँ, और 30-32 एस्ट्रोलॉजर ने निकाला कि यस ये चीज़ मुझे इंडिकेट कर रही है। तो मेरी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा प्रश्न होता है कि मुझे ये काम करना है नहीं करना है, जाना नहीं जाना, शॉर्टकट वे में, तो मैं फटाफट इन कार्ड का यूज कर लेता हूँ। तो किस टाइप के प्रश्न होने चाहिए आपके मन में? अगर कोई प्रश्न भी नहीं है ना, आपके मन में कुछ चीज चल रही है, जैसे कि यार मतलब बच्चे के लिए चल रही है, या मेरे को वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो भी व्यथा चल रही है, कंफ्यूज रहते हो, आप एक बार इसको, जिसको प्रोसेस आता है, जिन्होंने सीखा हुआ है ना, या आप कंसल्टेशन जब लेने आते हैं, आप कार्ड निकालेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। हाँ, वो कार्ड आपको मैसेज देगा, संकेत बताएगा, डिकोड आपको करना होगा, आप फैन हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो क्योंकि ज्योतिष विद्या सारी की सारी कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों पे, हमारे पुराणों पे बेस्ड है, तो यहाँ इतना इतना प्रकाश है इसके अंदर। और जैसे मैंने बताया, माँ कुष्मांडा और माँ मातंगिनी का आशीर्वाद है, तो ये 100% ऐसा आंसर देती है कि आपको रास्ते मिल जाते हैं। तो ये आंसर देती है, फिर उपाय कैसे होते हैं इसके? उपाय फिर हम क्या करते हैं जब हमें पता लग गया कि ये सिचुएशन आ रही है, यानी कि आपने बोला क्या मुझे विदेश जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरे पास समय नहीं, तो मैं इतने एग्जाम्पल आपको बताता, और आप कहते मुझे जाना ही जाना है। अच्छा, तो जाइए ना, क्या दिक्कत है? वो कहते प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। क्या तो प्रॉब्लम है? कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फाइनल डिसीजन लेना है। तो फिर हम पासे चलते हैं और कुंडली बनाते हैं, वो इंडिकेट करता है कि आपको विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इजीएस्ट वे में कैसे सीख सकते हैं? हमने इतना सुंदर इसका एक किट बनाया है, एक स्टडी मटेरियल बनाया है, एक छोटा सा एप्लीकेशन भी बनाया है कि आप कहीं भी बैठे हैं तो उसको यूज कर सकते हैं और ई लर्निंग में एक्सेस कर सकते हैं। हमारा ये वर्कशॉप अभी दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है, ये 3 डेज का वर्कशॉप होता है और 2 इसमें डाउट सेशंस होते हैं फुल डे के, और आप गारंटीड है कि पूरा अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेते हैं और सीख जाते हैं। तो देखा आपने, बहुत अच्छी बात आज बताई है, बहुत अच्छी विद्या के बारे में जानकारी दी है, और इसको आप और भी डिटेल जान सकते हैं जब आप इसमें वाकई इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अब आगे हम शो में और भी हो सकता है कभी इसके बारे में डिटेल में बात करें, क्योंकि वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ इस खास शो में शामिल होने के लिए और ये इतनी अच्छी जानकारी बताने के लिए। फिलहाल इस खास शो में इतना ही, नमस्कार।